नमस्ते साथियों, मैं मालविका हूँ और आज आपसे शिक्षण योजना से संबंधित बातचीत करूँगी। आप सभी शिक्षक हैं और पढ़ाने में शिक्षण योजना का एक बहुत ही अहम योगदान है, या हम ये कहें कि बहुत ही अहम हिस्सा है पढ़ाने का शिक्षण योजना। परंतु अफसोस ये है कि कई बार कई कारणों से हम इसे अनदेखा कर देते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम शिक्षण योजना बना पाएं, या हम इसकी उतनी ज़रूरत नहीं समझते। एक कारण ये हो सकता है कि हम कई सालों से पढ़ा रहे हों और हमें लगता है कि हम इन्हीं कविता कहानी को हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है इसमें क्या बातें की गई हैं, तो इसके लिए हमें अलग से बैठ कर के योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक खाका है कि मैं इसे कैसे पढ़ाऊंगी या मैं इसे कैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हम इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों आवश्यक है और शिक्षण योजना बनाने से दरअसल हमें किस तरह से फ़ायदा होता है, और शिक्षण योजना बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बच्चे, भाषा तो आपने पहले भी पढ़ा है, भाषा शिक्षण से संबंधित आपके जो बाकी कार्यक्रम होंगे आपने उसमें पढ़ा होगा कि बोलना तो बच्चे स्कूल के बाहर भी सीखते हैं, और कई चीज़ें हैं जो बच्चे स्कूल के बाहर भी सीखते हैं और स्कूल में भी सीखते हैं। और घर के बाहर तो हम किसी तरह की योजना नहीं बनाते, जब बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं, भाषा सीख रहे होते हैं, तो फिर स्कूल में हमें किसी तरह की शिक्षण योजना बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम सीखने के संदर्भ में घर और स्कूल की परिस्थितियों को देखें या उनके संदर्भों को देखें, तो घर और अन्य सामाजिक परिवेश में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं जो प्रायः अनौपचारिक और अनियोजित होता है, यानी कि हम उसके लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं करते, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करते कि आज मैं बच्चे को ये बोलना सिखाऊंगा। वो अनियोजित अनौपचारिक होता है, जिस माहौल में बच्चा बड़ा हो रहा है उस माहौल में बच्चा बोलना सीख लेता है। परंतु इसके विपरीत स्कूल एक व्यवस्थित पाठ्यचर्या के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कई सारे बच्चे औपचारिक और नियोजित तरीके से एक साथ सीखते हैं। तो स्कूल, जैसा हम सब जानते हैं क्योंकि हम पढ़ाते हैं, हम स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए और अब हम जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमें पता है कि स्कूल में एक व्यवस्थित पाठ्यचर्या होती है जिसे हमें जिसके अनुरूप जिसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। और घर में तो हो सकता है एक बच्चा हो या दो बच्चे हो, लेकिन स्कूल में तो हम कई सारे बच्चों को एक औपचारिक तरीके से सिखाते हैं और एक नियोजित तरीके से एक साथ सिखाते हैं इतने सारे बच्चों को। तो ये एक दो बहुत ही विशेष फर्क होता है माहौल में या स्कूल और घर के संदर्भ में। अगर हम स्कूली संदर्भ को देखें तो स्कूल में बच्चों के सीखने का माहौल कैसा होता है? घर की तुलना में स्कूल में औपचारिक शैक्षिक माहौल होता है, बच्चे स्कूल में सीखने के ही उद्देश्य से आते हैं। यदि हम किसी भी बच्चे से पूछें कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो हम सबको पता है कि उसका उत्तर यही होगा कि स्कूल में पढ़ने जाता हूँ, मैं सीखने जाता हूँ। तो स्कूल में बच्चे सीखने के उद्देश्य से ही आते हैं। इसके अलावा स्कूल में व्यवस्थित पाठ्यचर्या के अनुसार सिखाया जाता है। एक पाठ्यचर्या होती है, उस पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्य पुस्तकें होती हैं और उसके अनुसार, उसके विषय वस्तु के अनुसार हम एक व्यवस्थित क्रम में उसे सिखाते हैं। कभी हमारे पास ये छूट ज़रूर होती है कि हम उस क्रम में कोई फेरबदल कर लें, कभी हम किसी कहानी को पहले पढ़ा दें किसी कारण से, किसी कविता को हम बाद में पढ़ा दें, लेकिन फिर भी हम एक पाठ्यक्रम के क्रम के अनुसार चलते हैं। स्कूल में कई बच्चे एक साथ सीखते हैं और ये सभी बच्चे प्रायः अलग अलग पृष्ठभूमि और विभिन्न अनुभवों के साथ आते हैं।
अगर कक्षा में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो वो सभी बच्चे मुमकिन है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हों, उनमें कई बच्चों की भाषा अलग हो, संस्कृति अलग हो, अनुभव अलग हो। तो जो ये 30-40 बच्चे हमारी कक्षा में बैठते हैं, ये प्रायः अलग अलग पृष्ठभूमि से कक्षा में आते हैं। तो इस तरह की कक्षा में जो स्थितियाँ होती हैं, जहाँ कई बच्चे होते हैं, अनौपचारिक तरीके से उन्हें सिखाना पड़ता है, और अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमता वाले बच्चे आते हैं, तो ये सारी परिस्थितियाँ या स्थितियाँ मिलाकर पढ़ाने को एक चुनौतीपूर्ण काम बना देती हैं या शिक्षण को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। तो वो हम एक बार फिर से देख लें कि वो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जो शिक्षण को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। कक्षा में अलग अलग क्षमताओं, पृष्ठभूमि, स्वभाव और रुचि वाले बच्चे होते हैं। किसी को कहानी सुनना पसंद है, किसी को कविता सुनना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, तो कोई किसी को पढ़ना पसंद है, कोई लिखना बिल्कुल नहीं चाहता, कोई बैठ नहीं सकता ज़्यादा देर तक। तो हमें पता है कि अलग अलग क्षमता, स्वभाव और पृष्ठभूमि वाले बच्चे हमारी कक्षा में आते हैं। ये जिम्मेदारी और उद्देश्य कि कक्षा के सभी बच्चे सीखें और सीखने सिखाने की प्रक्रिया उन सभी बच्चों के लिए संदर्भ बने, ये भी शिक्षण को चुनौतीपूर्ण बनाती है। शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा एक निश्चित समय में सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना। हमें पता है कि एक अगर हम कक्षा दो को पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा दो के वो 30-40 बच्चे हमारे साथ एक वर्ष के लिए हैं, एक साल के लिए हैं, और उस एक साल में हमें बच्चों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार चीज़ें सिखानी हैं, भाषा सिखानी है, भाषा के क्षमताओं को विकसित करना है। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर शिक्षण को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए अब हम समझें कि क्यों हमें पाठ योजना की ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा कि ये सभी स्थितियां हमारे पाठन को या पढ़ाने को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। तो हमें अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करना है, सशक्त करना है कि हम इस काम को बहुत सलीके से और बहुत ढंग से हम इस काम को कर सकें। और इसके लिए पाठ योजना एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए एक ऐसी व्यवस्थित और नियोजित योजना की ज़रूरत है जो विविध क्षमताओं, अनुभवों और भिन्न पृष्ठभूमि के साथ आने वाले सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरी कर सके। तो हमारी योजना ऐसी हो कि उन सभी 30-40 बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ में आए, अर्थपूर्ण लगे व उससे जुड़ सके, चाहे उनके अनुभव अलग अलग हों और पृष्ठभूमि अलग अलग हो। स्कूल को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सीखने के स्थान पर के रूप में विकसित कर सके, और फिर हम इस तरह से पढ़ाएं या इस तरह से हम अपने पढ़ाने को व्यवस्थित और नियोजित करें कि एक क्रमबद्ध सीखने के स्थान के रूप में हम स्कूल को विकसित कर सके। तो हमारे जो पाठ योजना होनी चाहिए उसको, इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या होती हैं। पाठ योजना का सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम पाठ योजना किस आधार पर बनाएं। तो पाठ योजना का जो आधार है वह भाषा और उसके शिक्षण के प्रति हमारा नज़रिया या हमारी समझ ही पाठ योजना का आधार बनती है। तो सबसे पहली बात ये आती है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा, वह ये है कि हमारी नज़र में या हम भाषा शिक्षण को कैसे समझते हैं। इसमें एक हो सकता है कि आप अपने साथी से अलग समझते हों, आप किसी ख़ास चीज़ पर बल देते हों, आपके साथी किसी और चीज़ पर बल देते हों। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और उसको परखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो भाषा शिक्षण की समझ है वो क्या है और क्या वह समझ ठीक है। हो सकता है कि आपके अनुसार भाषा सीखना यानी कि बिल्कुल सही लिखना
उसमें कोई व्याकरण संबंधी त्रुटि ना हो, उसमें व्याकरण संबंधी कोई गलतियाँ ना हो। आपकी नज़र में भाषा सीखने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, तो ये यदि आपका नज़रिया है भाषा शिक्षण को लेकर के, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आप कक्षा में जाकर जो पढ़ाते हैं वो इसी उद्देश्य से संचालित होता है। तो आपका ज़्यादा बल कक्षा में बच्चों को सिर्फ व्याकरण पढ़ाने में ही बीतेगा। लेकिन क्या सिर्फ वही भाषा शिक्षण है? क्या भाषा सीखने के लिए सिर्फ हमें उसी की आवश्यकता होती है? तो जब आप पाठ योजना बनाने बैठते हैं और जिस कहानी या कविता या जिस मुख्य पाठ का आप योजना बनाने जा रहे हैं, उसको लेकर आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाषा संबंधित वो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण हैं और बच्चों को सिखानी चाहिए, तभी वो चीज़ें आपके पाठ योजना में नज़र आएंगी। दूसरी बात होती है ढांचा देना, कि यदि हमने मान लिया कि मेरे अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है कि बच्चा भाषा का इस्तेमाल करने में अपने को सहज महसूस करे, परिचित और अपरिचित संदर्भों में भी वह सहज रूप से उसके अनुरूप भाषा का इस्तेमाल कर सके, जो पढ़ रहा है उसको स्वयं समझे, उस पर प्रतिक्रिया दे सके, अपने मन की बात वो लिखकर व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके और अलग अलग तरीके का लेखन कर सके, तो यदि हमारी कुछ इस तरह की समझ है भाषा सीखने को लेकर के, तो ये हमारे पाठ योजना का आधार बनेगी और फिर यही हमारे पाठ योजना को एक ढांचा देगी, एक स्ट्रक्चर देगी। तो यही समझ पाठ योजना को एक सुव्यवस्थित ढांचा देती है, जो दरअसल क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है कि स्पष्टता से ही सुनिश्चित होता है। तो जब हमारा नज़रिया स्पष्ट हो और उस नज़रिए के आधार पर हम ये सोचें कि हमें क्या पढ़ाना है और इस पाठ को या इस कविता को हमें कैसे पढ़ाना है, तो वो हमें एक ढांचा देगी, हमारी योजना को एक ढांचा देगी और ये ढांचा कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से पढ़ाने में हमारी मदद करता है। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पाठ योजना बनाने के लिए बैठते हैं तो हमें सायास उस पर विचार करना पड़ता है। तो पाठ योजना हमें विचार करने का मौका देती है। हम बैठते हैं और हम सोचते हैं कि ये जो कविता मैं पढ़ रही हूँ, इस कविता की क्या विशेषता है, मुझे इस कविता को पढ़ते समय इस कविता की क्या विशेषताएं मेरे मन में आ रही हैं, इन विशेषताओं को अगर मैं कक्षा में बच्चों के साथ बांटना चाहूँ, बातचीत करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस तरह से पाठ योजना बनाना आपको अपने कक्षा की प्रक्रियाओं पर विचार करने का मौका देती है। शिक्षण योजना में हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है पर विस्तार से विचार करने का हमें मौका मिलता है। और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारे विचारों में स्पष्टता आएगी, और यदि हमारे विचारों में स्पष्टता आती है तो वह स्पष्टता हमें अपने पाठ योजना में भी नज़र आएगी। तो पाठ योजना हमें एक स्पष्टता देती है विचारों की, और वही विचार की स्पष्टता हमारे पाठ योजना में भी लक्षित होता है। शिक्षण और उसके उद्देश्यों और पढ़ाने के तरीकों, गतिविधियों को लेकर हम जितना विचार करेंगे हमारे विचारों में उतनी ही स्पष्टता आएगी। तो अगर मैं कोई खास कविता पढ़ा रही हूँ तो उस कविता का उद्देश्य क्या होगा, तो यदि मैंने उद्देश्य तय कर लिए कि इस कविता में चित्रात्मकता बहुत उभर करके आ रही है या इस कविता में संवाद बहुत अच्छी तरह निकल करके आ रहा है और मैं इसको कक्षा में लेकर जाना चाहती हूँ और बच्चों से इस पर बातचीत करना चाहती हूँ, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि तो ये बातचीत कैसे होगी, क्या इसके लिए मैं कोई गतिविधि कराऊँ या क्या तरीका मैं उपयोग में लेकर के आऊँगी। तो हमें यह सब सोचना पड़ता है।
जो हमारे विचारों को स्पष्टता देती है और हमारी योजना को स्पष्टता देती है। हमारे विचारों की यही स्पष्टता हमारी शिक्षण योजना को भी स्पष्टता देगी। और अन्य विशेषताएं पाठ्य योजना की हैं कि वह हमें व्यवस्थित करता है। तो जब हम विचार करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, तो जाहिर है कि वह हमें व्यवस्थित भी करता है कि हम शुरुआत कैसे करेंगे, हमारे उद्देश्य क्या होंगे, उन उद्देश्यों को पाने के लिए हम कक्षा में किस तरह से बातचीत करेंगे, किन गतिविधियों को कराएंगे, क्या प्रश्न पूछेंगे। तो ये सभी चीज़ों पर, इन सभी चीज़ों पर जब हम विचार करते हैं तो वो हमें व्यवस्थित करता है। पाठ शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वह हमें व्यवस्थित करती है, शिक्षिकाओं शिक्षकों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, और इसके अनुसार पढ़ाते समय मार्ग से भटकने की गुंजाइश भी कम रहती है। हमने अक्सर ये अनुभव किया होगा कक्षा में कि किसी न किसी कारण से हम एक तरह से कोई बातचीत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई गतिविधि कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने कोई सवाल कर दिया या अचानक हमारे मन में कोई बात आ गई और हम थोड़ा सा उससे, जो बात हम कर रहे हैं थोड़ा उससे भटक जाते हैं। तो शिक्षण योजना जो होती है, यदि हम भटकते भी हैं या हमें लगता है कि इस दूसरी चीज़ पर बात करना भी महत्वपूर्ण है, तो हमें पता है कि योजना ये है, तो हम जल्दी से वापस योजना पर आने की कोशिश करेंगे। स्थितियों को संभालने की क्षमता होती है, और क्योंकि हम बेहतर तरीके से व्यवस्थित होते हैं, तैयारियां होती हैं, तो हम किसी आकस्मिक घटना को संभालने में अधिक सक्षम रहते हैं। सभी बच्चों को केंद्र में रखना। जब हम शिक्षण योजना बनाते हैं तो कई अन्य चीज़ जिन पर हम विचार करते हैं उसमें हमें ये भी साया सोचने का मौका मिलता है कि कक्षा के अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को ध्यान में रखकर और उनके अनुरूप किसी गतिविधि के बारे में सोचें। ये मौका हमें शिक्षण योजना देती है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात किया है कि हमारी कक्षा में 30, 40, 50 बच्चे बैठते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे बैठते हैं, अलग अलग समझ के स्तर के बच्चे बैठते हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे अपने आप को कक्षाई प्रक्रिया से कटा हुआ महसूस करें। तो जब हम शिक्षण योजना बना रहे होते हैं तो हमें सभी बच्चों के बारे में सोचने का मौका मिलता है, और हम उसके अनुसार, हो सकता है कि हमें कभी लगे कि हम एक गतिविधि नहीं कराएंगे, हम दो गतिविधि कराएंगे, दो समूहों में बच्चों को बांट देंगे किसी क्षमता के अनुसार। और जैसा बहुत स्पष्ट हो रहा है बातचीत के दौरान कि इस तरह से पढ़ाने जाने से पहले जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो जाहिर है कि वह हमें तैयारी का मौका देती है। पाठ्य योजना बनाते समय पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त हमें किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में सोचने का, प्रबंध करने का या बनाने का भी मौका मिलता है। मान लीजिए कि हम एक कविता करा रहे हैं, जो मैं आपको NCERT की कक्षा 2 की रिमझिम से दिखा रही हूँ। यह कविता है बहुत हुआ। यह कविता बारिश के अनुभवों के बारे में बात कर रही है। तो बहुत हुआ भाई बहुत हुआ कविता के साथ, जो कि बारिश के अनुभव के बारे में बात करता है, हो सकता है कि उससे संबंधित आपको कोई और कविता मिल जाए या कोई कहानी मिल जाए जो आप बच्चों के साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। इससे बच्चों की भाषाई क्षमता को विस्तार मिलता है, उनके अनुभवों को विस्तार मिलता है, और एक ही अनुभव को अलग अलग ढंग से व्यक्त करने के तरीके वो देखते हैं। तो इसी तरह मुझे एक बारिश के अनुभव से संबंधित पोस्टर मिला, कविता का पोस्टर, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये NCERT के सौजन्य से मुझे मिला है। यह एक कविता है, बरस रहा भाई बरस रहा। तो ये मुझे लगा कि शायद उस बहुत हुआ भाई बहुत हुआ कविता के साथ ये कविता की जा सकती है, जिसमें भी बारिश के अनुभव की बातचीत की गई है।
तो इसी तरह आप जो मुख्य पाठ है उसके साथ जाने वाले अन्य पठन सामग्री भी आप बच्चों के लिए खोज सकते हैं, और ये योजना बनाती हैं जब आप, तो आपको इसका मौका मिलता है। और अंत में जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो हमें ये पाठ योजना आगे की योजना बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि हमें पता है स्पष्ट रूप से कि हमने इन उद्देश्यों को रख करके पिछली कक्षा में ये कविता पढ़ाई थी। अब जब मैं अगली कविता पढ़ा रही हूँ तो शायद उन उद्देश्यों को दोहराते हुए मैं क्यों एक नए उद्देश्य को लेकर के कक्षा में जा सकती हूँ। अब हम थोड़ी शिक्षण योजना से संबंधित कुछ ध्यान रखने योग्य बातें कर लेते हैं। तो शिक्षण योजना बनाते समय ये बेहद आवश्यक है कि आप चार चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और वह है बच्चों की आवश्यकता, आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी समझ के अनुसार, उनके पूर्व ज्ञान के अनुसार वो क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, इसका आकलन करते हुए आप अपने पाठ योजना को बनाएंगे। बच्चों की समझ का स्तर क्या है, ताकि हम जो सामग्री ले रहे हैं, लेकर जा रहे हैं कक्षा में, जो बातचीत कर रहे हैं, हम वो उस स्तर पे जा कर के करेंगे जिस स्तर पे बच्चे उस बात को समझ पाएँ। हमारे पाठ जो हम लेकर के जा रहे हैं, जो पठन सामग्री लेकर के जा रहे हैं, उनका स्तर भी हम उसके हिसाब से चुन सकते हैं। तीसरी बात है विषय की समझ। यदि मैं कविता पढ़ाने बच्चों को जा रही हूँ तो मैं स्वयं उस कविता को कितनी अच्छी तरह समझ रही हूँ, उस कविता की विशेषताओं को मैं कितनी अच्छी तरह पकड़ पा रही हूँ, ये सब बहुत आवश्यक बातें हैं जब आप शिक्षण योजना बनाने बैठेंगे। और चौथी बात कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं, उसके लिए उपयुक्त शिक्षण तरीके कौन से होंगे जो बच्चों के लिए कक्षा को या कक्षाई प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बना सके, बच्चे उससे जुड़ सकें, आनंद ले सकें, ये सारी चीज़ें, और बच्चे उस प्रक्रिया के दौरान सीख सकें और जो आप सिखा रही हैं उसका आगे इस्तेमाल कर सकें। तो शिक्षा के उद्देश्य और कक्षा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए शिक्षण योजना से संबंधित निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण योजना में बच्चों की आवश्यकता, समझ का स्तर, विषय की समझ और उपयुक्त शिक्षण तरीकों का समन्वय होना चाहिए, ये बेहद आवश्यक है। पठन योजना में या पाठ योजना में अलग अलग कौशलों और क्षमताओं से संबंधित गतिविधियों का समन्वय, संतुलन और तालमेल होना चाहिए। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमने सोचा कि हम इस कविता पर बच्चों से बातचीत करेंगे, कविता बारिश पर है तो हम बच्चों से बारिश पर बातचीत करेंगे, और हम पाते हैं कि 3 दिन तक हम सिर्फ बारिश पर बातचीत ही कर रहे हैं, या हमने कोई अगला टॉपिक लिया, अगला विषय लिया, उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक तरह का संतुलन नहीं है। बच्चों को अलग अलग भाषाई कौशलों और क्षमताओं का को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हमें इस तरह के संतुलन और समन्वय और तालमेल को बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम बच्चों को कुछ मौखिक करवा रहे हैं तो क्या हम कुछ लिखने का अवसर भी दे रहे हैं, क्या हम बच्चों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ने का भी अनुभव दे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर सोचना बेहद आवश्यक है। शिक्षण योजना विविध क्षमताओं एवं अनुभव के साथ आने वाले और भिन्न पृष्ठभूमि वाले सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। शिक्षण योजना व्यवस्थित और नियोजित हो, क्योंकि यदि शिक्षण योजना व्यवस्थित और नियोजित होगी तभी आपका शिक्षण भी व्यवस्थित और नियोजित होगा। शिक्षण योजना में लचीलापन होना चाहिए। शिक्षण योजना आपको सशक्त करने के लिए है, वह आपको बांधने के लिए नहीं है। तो शिक्षण योजना या जब आप पढ़ा रहे हैं उसके दौरान यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ और एक सामग्री लेकर के आनी है तो आप ज़रूर लाइए, या आपको लगता है कि ये बात बच्चों को, ये धारणा बच्चों को अवधारणा समझ में नहीं आ रही है और मुझे इसमें और समय देने की ज़रूरत है, तो ज़रूर दीजिए,
आपकी शिक्षण योजना आपको रोकेगी नहीं या वो रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन इसके साथ ही बेहतर ये होगा कि आप कहीं इसे भी नोट कर ले कि किन कारणों से आपको इसमें बदलाव लाना पड़े, वो हमेशा आपकी सहायता करेगी अगली शिक्षण योजना बनाने में। और शिक्षण योजना को निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास पढ़ाने के लिए 3 पीरियड्स हों और हमने जो शिक्षण योजना बनाई है उसके लिए हमें 5 पीरियड की ज़रूरत हो, या हमने बनाया तो 3 पीरियड को लेकर के है लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो 2 पीरियड में ही समाप्त हो गए। तो कुछ समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम अपने शिक्षण योजना को बनाएं। अब एक अंतिम चरण कि शिक्षण योजना के क्या या वो कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला होता है उद्देश्य कि शिक्षण योजना में हम किन उद्देश्यों को लेकर जा रहे हैं, या भाषा के वो कौन से उद्देश्य हैं जो हम पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे जिन्हें हमें सिखाना है, कैसे पढ़ाएं जो हमारे अध्यापन प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है, और हम आकलन कैसे करें। इन सब का समावेश या इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शिक्षण योजना बनानी पड़ेगी। मोटे तौर पर शिक्षण योजना का उद्देश्य पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक से निर्धारित होता है। तो कुछ एक मुख्य उद्देश्य होते हैं जैसे कविता का आनंद लेना, तुकबंदी इत्यादि, परंतु पढ़ाई जाने वाली कविता के जिन विशेषताओं की ओर आप बच्चों का ध्यान खींचना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं और जिन कौशलों या क्षमताओं का विकास करना चाहती हैं, वे सभी शिक्षण उद्देश्य आपके शिक्षण योजना के उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य होंगे। और इन उद्देश्यों को तय करने के लिए आप अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकती हैं कि इस पाठ की या इस कविता की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी ओर मैं बच्चों का ध्यान खींचना चाहती हूँ और जिसकी मैं चाहती हूँ कि बच्चे सराहना कर सकें। इस पाठ के अंत में बच्चों से मेरी क्या अपेक्षा या उम्मीद रहेगी, क्या मेरे अनुसार बच्चे समझ पाने में और क्या कर पाने में समर्थ होंगे। और फिर हम अपने उद्देश्यों को केंद्रित करेंगे कि यदि हमने 4 या 5 उद्देश्य सोचे हैं तो उन 4-5 उद्देश्य में कौन से वो 2 उद्देश्य हैं जो हमें सबसे महत्वपूर्ण लग रहे हैं और जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसे पढ़ाना और सिखाना है? जाहिर है हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों की प्रकृति, बच्चों की समझ, बच्चों का स्तर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए, ये हमारी पाठ योजना में झलकना चाहिए। गतिविधि बनाते समय बच्चों की संख्या को ध्यान में अवश्य रखें। ये बहुत मामूली सी बात लगती है लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम उस गतिविधि को कराने लगते हैं तो हमें ध्यान आता है कि ये तो इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं उनके साथ हो नहीं सकता है। तो यदि हम पहले से तैयारी करके रखें तो हम बच्चों को समूह में भी बांट सकते हैं। बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं भाषाई पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पाठ शिक्षण योजना में बच्चों की संस्कृति को कैसे शामिल करें, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। कैसे पढ़ाएं या सिखाएं? तो वो फिर उस पर निर्भर करता है कि हमारा नज़रिया क्या है भाषा शिक्षण को लेकर के। यदि हमारा नज़रिया है कि हमें समझाना है और बच्चे चुपचाप बैठकर सुनेंगे, तो फिर हमारे प्रश्न जो होंगे सारा समझाने का काम हम करेंगे, बच्चे चुपचाप सुनेंगे और हमारे प्रश्न भी ऐसे होंगे जिसमें बच्चों को हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। तो हम बच्चों से कहेंगे, बारिश का अनुभव होता है ना आपको, आपने लिया है ना अनुभव, और बच्चे सिर्फ सर हिलाएंगे। इसके विपरीत अगर ये लगता है कि समझ बनाने में बच्चों की उतनी ही भागीदारी होती है या ज़्यादा भागीदारी होती है, तो आप बच्चों से प्रश्न इस प्रकार करेंगे जिसमें उन्हें सोचना पड़े, उन्हें प्रतिक्रिया देनी पड़े कि आपको बारिश कैसा लगता है, आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है, क्यों। तो जब आप पूछेंगे क्यों, तो बच्चों को सोचना पड़ेगा कि यदि मुझे अच्छा लगता है तो क्यों, और यदि नहीं अच्छा लगता है तो क्यों। और अंतिम बात है आकलन की, कि पाठ शिक्षण या आपको आकलन करने में मदद करता है कि जो आप योजना लेकर गए हैं उसे आपने बेहतर ढंग से आप कर पाए हैं या नहीं, और जो आपके उद्देश्य थे उस उद्देश्य को हासिल किया गया है या नहीं किया गया है। और अंत में मैं सिर्फ आपसे
एक प्रारूप आपको दिखा रही हूँ जो प्रारूप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं भाषा शिक्षण के लिए, जिसमें उद्देश्य है, मुख्य पठन सामग्री जैसे कविता आपने पाठ्य पुस्तक से ली, सहायक सामग्री आप लिख सकते हैं कोई पोस्टर, कोई और कविता आपको मिली, टॉपिक यानी उस कक्षा में उस दिन का टॉपिक क्या होगा कि हम बारिश के अनुभव पर बात करेंगे, और क्यों बात करेंगे वो आपका विशिष्ट अनुभव हो जाएगा, कितने समय में आप करेंगे उसको, आप एक पीरियड में करेंगे, दो पीरियड में करेंगे, ये आप यहाँ डाल सकते हैं। प्रक्रिया क्या होगी कि हम शुरुआत कैसे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे और अंत कैसे करेंगे, इसका एक छोटा सा विवरण आप इसमें दे दें, और आकलन कैसे करेंगे। तो आकलन करने के लिए आपने जिन गतिविधियों को तय किया है उसको आप यहाँ पर लिख दें। तो एक मोटे तौर पे आपकी कक्षा की शिक्षण की योजना आपके पास तैयार हो जाएगी। आशा करती हूँ ये आपको ठीक लगा हो और इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।